जनता ने मुझे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस छोड़ने के दिन शायद जनता सारी जानती है, मुझे रोना भी आया। ये स्थिति मेरी रही थी इस, क्योंकि मैं पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता था। पार्टी में वफादार रहा हूँ, कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई भी खड़ा कर दिया उसी के साथ रहा हूँ, जी जान से साथ रहा हूँ। ये मैंने इसीलिए हमने आपसे पूछा, जयपुर मीडिया में भी अगर बात करें, दीपचंद खैरिया एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ और वफादार व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। कई बार मुख्यमंत्री खुले मन से मंचों से आपकी तारीफ करते सुनाई देते हैं। उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि जो ये वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है, ये हमारे दीपचंद खैरिया जी की देन है। इसके बारे में आप बताएं। देखिए, देने वाले तो गहलोत जी हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं टाइम टू टाइम उससे मिलता रहता था और स्थानीय जो जनता का व्यू था, यानी सब बातें होती थी, निकल कर आती थी, वो मैंने उनको बताता रहता था। मैंने उनसे ये कहा, गहलोत जी तीन साइड से हमारा जिला जुड़ा हुआ है और वहाँ पेंशन योजना है।